तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए फोर चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मैन मनी मेथड एंड मटेरियल। एंड ये चार पिलर है दोस्तों एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए, जिसके लिए पहला है मैन। और ये मैन को हैंडल करते हैं दोस्तों एक मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट्स मीन द मैन कैन मैनेज टैक्टफुली इट्स इक्वल मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन एंड पिलर है दोस्तों कोई भी कंपनीज एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए। और हम सबको पता है कि कोई भी कंपनी में जॉब या कोई मैनेजमेंट, कोई भी क्वेरीज, कुछ भी डिसीशंस, कुछ भी इम्प्लीमेंट जैसे डिसीशंस, या फिर जो लेबर लॉ या फैसिलिटीज या फिर आईसी मेकिंग, पासपोर्ट मेकिंग, दोज काइंड ऑफ ऑफिशियल एंड डॉक्यूमेंटेशंस जो करते हैं वो पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और मेरे लिए एचआर एक कोई पर्टिकुलर पोस्ट नहीं है दोस्तों, इट्स अ ह्यूज ह्यूज बिग इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो एक वाइटल डिपार्टमेंट होता है एक कंपनी को रन करने के लिए स्मूथली। तो आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, अगर आपको जॉब करने की ख्वाहिश है तो एंट्री लेवल में क्या क्या पोजीशंस में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कितना सैलरी आपको मिलेगा और क्या फ्यूचर है आगे चल के। तो अगर आप एचआर फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो वीडियोस को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स, मेल या व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, इससे आपको यह फायदा होगा मैं जब भी कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों एचआर डिपार्टमेंट में लोअर से लेके हायर पोजीशंस तक आप जा सकते हो अगर आप में वो क्वालिटी एंड एजुकेशन है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आपने कहीं से एक साल का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया, या फिर आपने प्रोफेशनल बीबीए किया या फिर प्रोफेशनल एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, या फिर सिंपली ग्रेजुएशन के बाद भी आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इन बेसिक्स क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आपको कंप्यूटर स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका थिंकिंग स्किल एंड आपका मैन पावर हैंडलिंग स्किल डेफिनेटली होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली आके एचआर इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। तो एंट्री लेवल में अगर आप आते हो, अगर आपने स्टडी कंप्लीट किया और आप ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड अगर आपने स्टडी किया तो आप किसी भी कंपनी में आके एचआर इंटर्न के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप इंटर्नशिप, कहीं कहीं पे एचआर ट्रेनी भी बोला जाता है। तो आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एज अ एचआर इंटर्न के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा एचआर फंक्शंस सीखने को मिलेगा। कि इंटर्न के टाइम पे आप का बेनिफिट यह है दोस्तों कि आपको पूरा काम सीखने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आपको एचआर फंक्शंस, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिक्रूटिंग, कस्टमर हैंडलिंग एंड द लेबर लॉ इम्प्लीमेंट, बेनिफिट्स, अटेंडेंस, दिस काइंड ऑफ जो भी एचआर एक्टिविटीज है वो सारे काम आप सीखोगे। एंड आगे चल के आपका फ्यूचर और भी अच्छा होगा जब आप एचआर इंटर्न से या एचआर ट्रेनी से नेक्स्ट स्टेप में जब आप चले जाओगे। तो एचआर ट्रेनी एंड एचआर इंटर्न इज द स्टार्टिंग एंड एंट्री लेवल फॉर एचआर डिपार्टमेंट। इसके बाद आता है दोस्तों जूनियर एचआर रिक्रूटर। दोस्तों रिक्रूटमेंट एक कम्प्लीटली एचआर फंक्शन है दोस्तों, किसी कोई भी एम्प्लॉय को हायर करना, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना, उसका इंटरव्यू अटेंड करना, उसका ट्रेनिंग, उसका स्क्रीनिंग, उसका ज्वाइनिंग, उसका प्रोफाइल क्रिएट, ये पूरा जो प्रोसीड्योर है दोस्तों वे एक एचआर रिक्रूटर कंप्लीट करते हैं। और उसको असिस्ट करने के लिए कोई जूनियर एचआर असिस्टेंट की जरूरत होता है, जो एचआर लेवल की एक एंट्री लेवल पोस्ट है, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने कहीं पे भी सक्सेसफुली इंटर्नशिप कंप्लीट किया या फिर आपके पास इस रिलेटेड एक साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप डेफिनेटली एज अ जूनियर एचआर रिक्रूटर ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों फील्ड एचआर कोऑर्डिनेटर और एचआर कोऑर्डिनेटर, एक सेम पोस्ट है दोस्तों, भी कंपनीज में इसको फील्ड एचआर कोऑर्डिनेटर या फिर एचआर कोऑर्डिनेटर बोला जाता है। तो ये भी एक एंट्री लेवल पोस्ट है दोस्तों, जहां पे आपको कंपनी का एक पर्टिकुलर वर्क एरिया का जो स्टाफ होता है, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, अटेंडेंस, सैलरी, इस रिलेटेड जो भी एचआर फंक्शंस है उसको हैंडल करना पड़ता है। ये एक
ये थोड़ा सा फील्ड बेस्ड भी काम है और ऑफिस बेस्ड भी काम है, तो दोनों जगह का एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो और अच्छे से काम सीखने के बाद आप नेक्स्ट एचआर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों एचआर एसोसिएट। एचआर एसोसिएट भी एक एंट्री लेवल एचआर पोस्ट है दोस्तों, जहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद कहीं पे आपने इंटर्नशिप कंप्लीट किया या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का कहीं पे भी जॉब का एक्सपीरियंस है आपका, तो आप एचआर एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा काम सीखने का मौका मिलेगा कि एचआर डिपार्टमेंट में क्या वर्क फंक्शंस होता है, कैसे एक कंपनीज को पूरा मैन पावर जो इम्प्लॉयज होता है कैसे उसको हैंडलिंग किया जाता है, उसका डेटाबेस कंट्रोल करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना, उसका अटेंडेंस शीट बनाना, उसका लीव देखना, तो दिस काइंड ऑफ जो भी एचआर फंक्शंस है वो रोल एज एचआर एसोसिएट आपको देखना होता है। तो ये कैपेबिलिटी अगर आप में है तो आप एज एचआर एसोसिएट डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो कोई भी आपकी पसंदीदा इंडस्ट्री में। इसके बाद आता है दोस्तों एचआर एडमिन असिस्टेंट। दोस्तों एचआर का एक एडमिनिस्ट्रेशन भी वर्क होता है, तो अगर आपने एचआर एसोसिएट या फिर एचआर कोऑर्डिनेटर या फिर एचआर ट्रेनी जॉब कर चुके हो, आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एज एचआर क्लर्क और एज एचआर एडमिन असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपका वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये सीनियर पोस्ट है क्योंकि ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम आपको संभालना होगा और कंपनी का पेरोल भी देखना होगा, तो इस रिलेटेड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एज एचआर एडमिन असिस्टेंट आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो आपको जूनियर लेवल से हायर लेवल तक लेके जा सकते हैं, वो है दोस्तों एचआर असिस्टेंट। नाम से आप समझ सकते हो कि एचआर असिस्टेंट मतलब जो एचआर मैनेजर होता है, जो सीनियर एचआर होता है उसका असिस्टेंट। दैट्स मीन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है दोस्तों। अगर आपने 1-2 साल कहीं पे भी एचआर डिपार्टमेंट में कहीं से भी वर्क एक्सपीरियंस लिया तो आप एज एचआर असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सबसे अच्छा चीज यह है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप जब एचआर मैनेजर के साथ काम करोगे तो एचआर का बहुत बड़ा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, स्किल नॉलेज होता है, तब जाके वो एचआर मैनेजर बना। तो जब आप एचआर मैनेजर के साथ काम करोगे एज असिस्टेंट, तो वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो और एचआर मैनेजर का जो भी काम होगा वो आपके थ्रू कंप्लीट होगा, तो आपका भी एक वाइटल रोल हो जाता है आपका स्किल को इम्प्रूव करने का। तो एचआर असिस्टेंट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल पोस्ट फॉर एचआर डिपार्टमेंट। तो अगर आप में वो क्वालिफिकेशन क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंट है तो आप डेफिनेटली एज एचआर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड एचआर असिस्टेंट में जॉब करने के 1-2 साल के बाद आप सीनियर एचआर में भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा एंड गुड अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, जो भी दोस्त लोग एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए सोच रहे हो। इसके बाद आता है दोस्तों सैलरी पैकेजेस क्या होता है। दोस्तों दुबई या यूएई के अंदर एचआर डिपार्टमेंट का सैलरी बहुत अच्छा है, तो अगर आप इंटर्न ट्रेनी या एसोसिएट में या फिर जूनियर रिक्रूटर में ज्वाइन करते हो तो भी आपको 4 से 4.5 हजार हम सैलरी मिल जाएंगे, और उसके साथ आपको अच्छे से काम सीखने का इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, जो आगे चल के आप और भी इम्प्रूव कर सकते हो और सीनियर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सो इसके बाद क्वेश्चन से ये आता है दोस्तों कि हाउ टू ज्वाइन। तो दोस्तों हर एक कंपनी में, छोटा बड़ा हर एक कंपनी में पर्टिकुलरली एचआर डिपार्टमेंट होता है, तो आप डेफिनेटली कंपनी के वेबसाइट में जाइए या फिर लिंक्डइन, इंडीड या naukrigulf.com या डूविजल जैसा वेबसाइट में ट्राई कीजिए। आपका जो भी एक्सपीरियंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो सारी कंपनीज को गूगल में लिस्ट निकालिए और कंपनीज का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके करियर या फिर ऑफिशियल मेल आईडी पे आप अपना सीवी फॉरवर्ड कीजिए प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि यू आर बिलोंग टू एचआर डिपार्टमेंट सो यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। अगर इस तरह से अगर आप जॉब अप्लाई करते हो एचआर डिपार्टमेंट में, तो आई होप अगर आप में वो क्वालिफिकेशन एंड प्रॉपर एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब मिल जाएंगे, और दुबई एंड यूएई के अंदर एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करने का एक अलग ही मजा है दोस्तों। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करने का और इस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप मेल या फिर कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। सो गाइस आज की वीडियोज में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी कोई वीडियोज में दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।